दोस्तों आपके पास चाहे कोई भी बाइक हो और अगर आपका कनेक्शन ये मीटर का कनेक्शन आगे फ्रंट चक्का से है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका प्रॉब्लम क्या हो सकता है। जैसे कि ये मीटर नहीं चल रहा है, ये कांटा आपका ऊपर नहीं जा रहा है। इसमें से दो चीज़ें देखा जाता है, एक तो ये मेन जो इसका जो मीटर है वो, और दूसरा ये कांटा। किसी किसी बाइक में ऐसा होता है ये कांटा ऊपर जाता है लेकिन अंदर का जो ये नंबर है, नंबर आगे पीछे आगे नहीं बढ़ता है। तो अगर नंबर आगे नहीं बढ़ता है तो फिर आपका पूरा मशीन, मीटर का जो मशीन होता है किट, वो पूरा ख़राब हो गया है। अगर ये कांटा ऊपर नहीं जा रहा है तो फिर ऐसे में आपको चेक करना होगा इसका तार या फिर इसका अंदर में जो पैनियन होता है वो ख़राब हो जाने से। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। मैं इस चक्का को अगर आगे घुमाता हूँ इस तरीके से तो ये मीटर ये सुई ऊपर नहीं जाता, ये कांटा ऊपर नहीं जाता। तो ऐसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। आप घर बैठे ही इस चीज़ में इस चीज़ को देख सकते हैं कि आखिर क्या वजह होता है जो मीटर नहीं चलता है। आप चाहे तो घर पर भी ये काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको ड्राइवर लेना है, पेचकस लेना है और यहाँ से आपको पुश करना है। इस तरीके से यहाँ पे लॉक होता है, इस लॉक को दबाना है, फिर ये मीटर, ये केबल इसे बोला जाता है, और ये केबल आपको बाहर खींचना होगा। और ये मैंने खींच लिया और देख सकते हैं यहाँ पे एक तार दिया हुआ होता है जिसमें घाट बना हुआ होता है, चरकूट जैसा ये घाट होता है। और अंदर में एक मीटर वर्म सेट होता है, इसके अंदर में जो दिया गया है ये पूरा वर्म सेट है, पैनियन है इसके अंदर। और पहले हम इस चक्का को घुमा के देखेंगे कि अंदर का जो वर्म सेट है वो काम करता है कि नहीं करता है। तो हम इस चक्का को घुमा कर देखेंगे। देखिए अंदर में आप देख रहे हैं कि इसमें जो अंदर में देख रहे हैं कि कोई चीज़ घूम रहा है, ये मीटर वर्म में है। तो इससे पता चलता है कि अंदर में जो मीटर वर्म सेट है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसका हमें तार चेक करना होगा, इस तार को नीचे की ओर खींचना है और देखना है कि कहीं बीच में टूट तो नहीं गया है। देखिए तो ये तार टूटा हुआ है और ये जो तार टूटा हुआ है ये बिल्कुल ऊपर साइड में टूटा हुआ है, जिस यहाँ पे जो हम लगाते हैं अंदर मीटर में जो हम पैच को टाइट करते हैं उसी जगह से छोटा सा टूटा हुआ है। तो ऐसे में दो तरीका आप कर सकते हैं, दो तरीके से सही कर सकते हैं। जैसे कि अलग से तार अगर मिल जाए, ये तार अलग से अगर मिल जाए आपको तो ये सीडी डिलक्स नाम करके आएगा, उस डिलक्स का ही इस बाइक में लग जाता है होंडा शाइन में। और अगर सीडी डिलक्स है तो सीडी डिलक्स में भी लग जाएगा। और अगर वो ना मिले तो आप डायरेक्ट केबल चेंज कीजिए, बेहतर ये होगा कि आप डायरेक्ट केबल चेंज कीजिए, क्योंकि तार जो टूटता है वो केबल की वजह से टूटता है। केबल अगर जाम हो जाता है अंदर में, अगर जंग लग जाता है तो उसके वजह से तार टूटता है। तो ऐसे में हम केबल ही चेंज करेंगे और केबल चेंज करने के लिए हमें ये पूरा वाइज़र खोलना होता है। और आपके पास चाहे जो भी बाइक हो इस तरह का अगर कनेक्शन हो, ये वाला केबल हो, तो आप पूरा वाइज़र खोल के ही आपको केबल चेंज करना है। तो चलिए हम ये कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे दो स्क्रू होता है, दो तो चार, एक पांच स्क्रू नट होता है। इसे हम खोल के आपको फिर से दिखाते हैं कि कैसे लगाना होता है। तो यहाँ से मैं इसे खोलना होता है, इसीलिए हमें पूरा वाइज़र खोलना होगा। तो इसे चाहे तो आप हाथ से भी खोल सकते हैं, हाथ से नहीं खोलते तो प्लास का इस्तेमाल करें। दोस्तों देख सकते हैं कि ये तार यहाँ से टूटा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे क्या इसे हम वेल्डिंग करा सकते हैं। अगर इसे वेल्डिंग कराते हैं तो इसमें गैस वेल्डिंग कराना होगा, वो भी गैस वेल्डिंग सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, बेहतर होगा कि आप चेंज कर दीजिए। और हमारे पास ये केबल है, अभी ये नया केबल है। तो मैंने इस केबल को लगा दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो आप लगाएंगे इस केबल को, तो चक्का को घुमा के लगाना है। चक्का घुमा के लगाना है इस तरीके से। मैंने इसे अंदर डाल दिया, अब चेक कर लेते हैं कि मीटर चालू हुआ या नहीं। देखिए तो अब ये मीटर चलने लगा है।